आज 14 फरवरी का दिन हम काला दिवस मना रहे हैं। जितने भी CAPF के मेंबर्स हैं, आज बेसिकली 2019 को आज ही के दिन पुलवामा में 40 शहीद हुए थे, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे। उन्होंने अपना सर्वस्व निशावर किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो पहले तो हम सारे ही मेंबर्स पूरे भारत में कोने कोने से CAPF के रिटायर्ड पर्सनल, उनकी फैमिलीज, ये सब एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अपने शहीदों को, और सरकार से एक सवाल पूछने के लिए कि ये जो हमारे जवान हर दिन लड़ रहे होते हैं अलग अलग सीमाओं पर, BSF सीमाओं पर लड़ रही होती है, CRPF चाहे कश्मीर की वादियां हो या नक्सल हो वहां लड़ रहे होते हैं, तो वो अपने परिवारों को किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं। जैसे कि हमारे अभी एक शहीद नितिन मालेराव AC, वो छत्तीसगढ़ में ID में उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो शहीद हुए। उनकी पत्नी भी दो दिन पहले उनका देहांत हो गया, उनकी 8 साल की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, सरकार की है। ना हमारे पास कोई वेलफेयर बोर्ड है जो उनका ध्यान दे, ना GST कैंटीन में छूट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो वेलफेयर के लिए ध्यान दे सके। OGS ऑर्गेनाइज कैडर का सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, सरकार ने कैबिनेट में भी डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था 2019 में, आज तक लागू नहीं हो पाया। 11 जनवरी को ओल्ड पेंशन के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि हमें आम क्लोजर ऑफ द यूनियन माना गया आर्टिकल 246(7) के तहत। अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत डाला जाएगा, ओल्ड पेंशन मिलेगा। अगर उस पर भी सरकार आगे जाती है, SLP में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा कि इसको इस प्रोटेस्ट को इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई जाए। और अपनी मांग अभी हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपेंगे, इसके बाद ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है और श्रद्धांजलि हो रही है। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जिन पे हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी। धन्यवाद।